हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे वेजिटेबल इडली। आप इसे नाश्ते में या बच्चों के टिफ़िन में या शाम को कभी भी भूख को बना सकते हैं। यह बहुत टेस्टी बनती है और आज हम इसे बिना इडली के स्टैंड के बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। इडली बनाने के लिए हम एक बाउल लेंगे। इसके अंदर हम एक कप सूजी डालेंगे, यह नॉर्मल सूजी है, और इसमें हम एक कप दही डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। ये मैंने आधा कप पानी लिया, इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पानी और डालेंगे। अब हम इसमें एक छोटी चम्मच नमक डालेंगे। नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, इडली में बहुत ज़्यादा नमक डाल दो तो बहुत अच्छा टेस्ट नहीं आता है। अच्छे से मिक्स कर लिया हमने। अब हम इसे ढककर 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। देखिए हमारे बैटर को रखे हुए 20 मिनट हो गए हैं। ये देखिए पहले से गाढ़ा हो गया है, ये हमारी सूजी फूल गई है। इसमें बचा हुआ पानी भी डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये मैंने 4 चम्मच मटर लिए हैं, इसे इसमें डाल देंगे। ये मैंने 4 चम्मच बारीक कटी हुई गाजर लिए, देखिए इस तरह से काटी है, इसे भी इसमें डाल देंगे। ये एक मीडियम साइज की शिमला मिर्च ली है, इसे भी मैंने इस तरह से छोटे टुकड़ों में काट लिया है, इसे भी इसमें डाल देंगे। ये एक छोटा साइज का प्याज लिया है, इसे भी इसमें डाल देंगे। बारीक कटा हुआ हरा धनिया लिया है, और ये एक हरी मिर्च है, इसे बारीक काट लिया, इसे डाल देंगे। आप चाहें तो हरी मिर्च को स्किप कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए पहले से थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे हम। अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए हमें इस तरह से अपना बैटर चाहिए। अब हम इसके लिए एक तड़का बनाएंगे। तड़का बनाने के लिए हम एक तड़का पैन लेंगे, गैस की फ्लेम ऑन कर देंगे और इसमें 1 चम्मच ऑयल डालेंगे। तेल को हम थोड़ा गर्म होने देंगे। अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच राई डालेंगे। और थोड़ी सी हम इसके अंदर चने की दाल डालेंगे और इसे हल्का सा भून लेंगे। देखिए इस तरह से हमारी चने की दाल भुन गई है। अब हम इसके अंदर कड़ी पत्ता डालेंगे। ये मेरे पास ड्राई कड़ी पत्ता है, आप चाहें तो फ्रेश भी ले सकते हैं। अब हम इसे अपने बैटर में डालेंगे। बैटर में डाल के तड़के को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे हमारी इडली में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब हम एक पतीला लेंगे, क्योंकि हम बिना स्टैंड के इडली बना रहे हैं तो हम इसमें ही अपनी इडली को बनाएंगे। इसमें 1 कप पानी डालेंगे और इसे हम गर्म होने के लिए रख देंगे। ये देखिए ये मैंने मीडियम साइज की कटोरियां ली हैं। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। हमें इसे अच्छे से ऑयल से ग्रीस करना है। हम एक ब्रश की सहायता से इसके चारों तरफ अच्छे से ऑयल लगा लेंगे, ताकि हमारी इडलियाँ आसानी से बाहर आ जाए। हम अपनी सारी कटोरियों पे इसी तरह से ऑयल लगाएंगे। ये देखिए मैंने सारी कटोरियों में ऑयल लगा लिया है। अब हम अपने बैटर में थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे और थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे। अगर आपको पसंद हो तो डालें, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम 1 चम्मच इनो डालेंगे, ये फ्रूट सॉल्ट इनो है। अगर आप चाहें तो इसमें बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं। और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे मिक्स हम एक ही साइड में मिक्स करेंगे। जल्दी से मिक्स करके हम बैटर को कटोरियों में डालेंगे। हमें कटोरियों में थोड़ा थोड़ा डालना है, बहुत ऊपर तक नहीं भरना है, क्योंकि हमारी इडलियाँ फूलेंगी। देखिए इस तरह से जैसे मैं डाल रही हूँ, ये देखिए मैंने अपनी कटोरियों में बैटर को डाल लिया है।
अब हम इसे पतीले में रखेंगे। ये देखिए हमारा पानी भी उबल रहा है। अब हम अपनी कटोरियों को इसके अंदर रखेंगे। ये देखिए इस पतीले में मैं 3 कटोरियां नीचे रखूंगी। अगर आपका पतीला बड़ा हो तो उसमें जितनी कटोरियां हैं आप उतनी रख सकते हैं। इसके ऊपर मैं 1 प्लेट रख दूंगी और इसके ऊपर भी 2 कटोरियों को रखूंगी और पतीले को ढक के 15 मिनट के लिए अपनी इडलियों को पकाऊंगी। ये देखिए पकते हुए 15 मिनट हो गए हैं। हम इडलियों को चेक कर लेते हैं। ये देखिए एक टूथपिक से हम चेक करेंगे। ये देखिए हमारी टूथपिक साफ आई है तो इसका मतलब हमारी इडली रेडी हो गई है। हम अपनी इडली को इसमें से निकाल लेते हैं। ये बहुत गर्म है, इसे हम ध्यान से निकालेंगे एकदम। ये देखिए हमारी इडली तैयार हो गई है। हम इसे ठंडा करने के लिए रख लेते हैं और बाकी बैटर की भी इडलियाँ तैयार कर लेते हैं। ये देखिए हमारी सारी इडली तैयार हो गई है और मैंने इसे ठंडा भी कर लिया है। अब मैं आपको इसे कटोरी में से निकाल के दिखाती हूँ। एक चक्कू से हम अपनी इडली को इस तरह से घुमाएंगे और ऐसे निकाल लेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी बनी है हमारी इडली। हम बाकी सारी इडली को भी इसी तरह से निकाल लेंगे। ये देखिए बन गई हमारी इडली, कितनी अच्छी लग रही है। मैं इसे तोड़ के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए कितनी जालीदार बनी है, लग रही है ना देख के यम्मी, एकदम सॉफ्ट और जालीदार। इसे आप हरी चटनी के साथ खाइए, सांभर के साथ खाइए, सुबह नाश्ते में बनाइए, बहुत टेस्टी लगती हैं। अगर आपको सांभर की रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल में है, आप उसे देख सकते हैं, और प्लेन इडली की भी है। थैंक यू।